इतिहास के पन्नों से मैं आपका दोस्त पीएन राज को एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद आप सबको पता चल जाएगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है और कौन है और क्यों है। तो दरअसल आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक बहुत ही खतरनाक पहाड़ों के बीच में से रास्ता गुजर रहा था। उस रास्ते पर एक बस जा रही थी। उस बस में पूरी तरह से पैसेंजर से भरी हुई थी और सामान के साथ साथ पूरी बस एकदम भरी हुई थी। तो जैसे जैसे वो बस आगे जा रही थी, बस स्टॉप 1 किलोमीटर आगे था। उसमें बस स्टॉप से पहले जो बस के अंदर एक पति पत्नी भी सवारी कर रहे थे, उनको उतरना था। वहां उनका खेत था तो उनको उतरना था। तो उन्होंने कंडक्टर से जाकर आजीजी की कंडक्टर से विनती की कि हमारा 1 किलोमीटर पहले ही उतार दे, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज्यादा है, छोटे बच्चे हैं, तो आप हमें यही उतार दें ताकि हमें 1 किलोमीटर बस स्टैंड पर उतर कर यहाँ पैदल ना आना पड़े। तो कंडक्टर ने भी उनकी आजीजी को विनती को स्वीकारा और बस को 1 किलोमीटर पहले रोक दिया। वो पत्नी और पत्नी दोनों उतरे अपने बच्चों के साथ, सामान लिया और जैसे ही रोड क्रॉस किया, ये एक समय कुछ 5-7 मिनट हुआ और रोड क्रॉस किया, बस आगे निकली और खाई में से बहुत बड़ा पत्थर आकर बस पर टकरा आया और पूरी बस जो है खाई में चली गई, जिसके कारण 65 से 60 मुसाफिरों की जान गंवानी पड़ी। और इस जान गंवाने के बाद पत्नी ने कहा कि हे भगवान, आप कितने कृपालु हैं कि हम यहाँ पर उतर गए, नहीं तो हम इस बस में होते और हमारे भी मृत्यु हो जाती। ये सुनने के बाद उसके पति की आंखों में से थोड़े से आंसू निकल आए और पत्नी ने पूछा कि ये आंसू क्यों। तो उस पति ने कहा कि हे भगवान, हम कितने स्वार्थी हैं कि हमने हमारे स्वार्थ के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर नाना पड़े, इसलिए बस को यहाँ रुकवाया। हम यहाँ पर उतरे, 5-7 मिनट लग गए। इन 5-7 मिनटों में बस खुद बस स्टॉप पर पहुंच जाती और सभी बच सकते थे। इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी आप लोगों को कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा स्वार्थी है।